हेलो फ्रेंड्स, लोटस आयुर्वेद इंडिया के प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब करें घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट। इस जानकारी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने हमारे यूट्यूब चैनल लोटस प्रेगनेंसी केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप अपना कर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकता है। पीरियड्स मिस होने पर मन जिज्ञासा से भर जाता है, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करें? इसका जवाब है प्रेगनेंसी टेस्ट। पर कब करें ये प्रेगनेंसी टेस्ट, आइए जानते हैं। यदि आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो इसका नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि यदि यूरिन में HCG ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की मात्रा कम रहती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। कुछ होम प्रेगनेंसी टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो पीरियड मिस होने के 4 दिन बाद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। यदि पहली बार रिजल्ट नेगेटिव आता है तो 3 दिन के अंतराल में एक बार फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करें, क्योंकि 3 दिन में HCG हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है यदि आप प्रेग्नेंट है तो। यदि आपको खाने से अलग महक आ रही है, बार बार पेशाब आने जैसी समस्या है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आपके स्तन में बदलाव आएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आकार में बदलाव आपको महसूस होंगे, जो ये दर्शाता है कि आपको जल्द ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप गर्भावस्था से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहती है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप अपना कर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।